हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंपिटस एकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है आपका 2 मार्च से होने वाला है और आज हो गया है 18 तारीख। ठीक है, तो 18 तारीख, अब लगभग 10 दिन बचा हुआ है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जो है इन लास्ट 10 डेज में क्या करिए, हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपका जो है एसएससी सीजीएल 2019 और एसएससी सीएचएसएल 2019, दोनों एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होने वाला है। एक 2 से शुरू होगा और एक 16 से शुरू होगा। तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए ये स्ट्रेटेजी को, क्योंकि क्या है क्या नहीं है, आप कहाँ पे आपका जो मिस हो रहा है और क्या कहाँ पर जो है आप ज़्यादा मतलब जो है उस किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये समय जो है आपको एकदम बैलेंस करने का है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सारे चीज़ पर एकदम बराबर ध्यान दीजिए, सारे चीज़ों का रिविज़न करिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंग्लिश है। देखिए, इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको प्रीवियस ईयर पूरा दे दिया गया है, चार चार पार्ट में। तो आप लोग जो है क्या करें, पूरा याद कर लें, क्योंकि बिना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आपका स्कोरिंग, क्योंकि देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है बहुत जगह काम करते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं, ये सिर्फ एंटो या साइनो के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर काम देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं वहाँ पर आपको OWS में भी आपको समझना होता है, आइडम्स एंड फ्रेजेस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कंठस्थ जो बोला जाता है उसे आप लोग अच्छे से याद कर ले, और आपको पूरा लेसन इस पर दे दिया गया है। ठीक है, आइडम एंड फ्रेजेस आपको 5 पार्ट में दिया गया है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2019 का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको सेपरेट दिया गया है अलग अलग से। एसएससी सीजीएल का आपका दिया गया है, एसएससी सीजीएल 2019 का भी जो आपको दिया गया है अलग से साइनो एंटो, फिर एसएससी सीएचएसएल 2019 का दिया गया है साइनो एंटो। तो सारा आप लोग जो है पूरा प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है एकदम सेपरेट, सारे तरीके से सारा आपको दिया गया है। आपको बस क्या काम करना है कि उन्हें देखना है, याद करना है, देखना है, याद करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आता है कि हम कैसे याद करें। ठीक है, तो याद करने का मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसके लिए कोई टाइमिंग ही नहीं है। ठीक है, याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आपका मन किस समय कर रहा है याद करने का। ठीक है, जैसे मतलब ये होता है कि हाँ, सुबह उठकर हम याद करते हैं तो जल्दी याद होता है, लेकिन क्या ये सही है? अगर आप जबरदस्ती सुबह उठ रहे हैं 3 बजे और 4 बजे, ठीक है, और उस समय आप याद कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप फ्रेश माइंड से याद कर पाइएगा? अगर आप जबरदस्ती उठ रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है, अगर आपका रेगुलर हाँ हैबिट है कि हम 4 बजे उठकर पढ़ते ही हैं, आराम से रात में सो जाते हैं 10 बजे और सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आप वहाँ पर फ्रेश माइंडेड हैं। लेकिन आप जबरदस्ती उठ रहे हैं कि अब हम 10 दिन में यही करेंगे, यही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है एकदम फ्रेश माइंड होकर, चाहे आप सुबह रात में पढ़ें 1-2 बजे तक, फिर सुबह उठ जाए 7 बजे 8 बजे के आसपास, और आराम से फ्रेश वगैरह होकर, नहाकर नाश्ता करके आराम से पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन जब भी बैठे तो एकदम फ्रेश माइंड से, आपके दिमाग में कुछ और ना चले, सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान हो। ठीक है, तो इन 10 दिनों में जो आप अपने माइंड को जो है एकदम रिफ्रेश रखिए, सारे चीज़ को अवॉइड करिए। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब पे, अगर आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस सीख रहे हैं जैसे द इंपिटस एकेडमी के साथ, या फिर आप मैथ्स भी सीख रहे होंगे कहीं पे, जीएस भी सीख रहे होंगे, तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उन पर फोकस करिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब चीज़ें जो है इग्नोर करिए। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर, तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जा रहा है, जैसे कि जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जा रहा है, इंग्लिश में मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पर भी चैट न करें, बस वहाँ पर जो है मतलब चैट ना करें, आप टेलीग्राम ऐप जो हमारा है जैसे गाड़ी, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में चैट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। चैट करने से मेरा संबंध था कि मतलब वो जो आपका होता है चैटिंग, फ्रेंड्स से पर्सनल चैटिंग, ये सब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 10 दिन जो है आप सिर्फ एकदम डेडिकेटेड रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप पहले सोच लीजिए अपना टाइमिंग कि हाँ कितना बजे हम उठते हैं, और इस हिसाब से अपना आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठकर ही याद करें तो याद होगा, आप जब भी याद करें लेकिन फ्रेश माइंडेड होकर याद करें तो आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात है सिनोनिम्स हम लोग देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए, आइडम एंड फ्रेजेस, सीपीओ, एसएससी सीजीएल 2019, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 का साइनो, एसएससी सीएचएसएल का साइनो, एसएससी सीएचएसएल का एंटो, एसएससी सीजीएल 2019 का एंटो, सारा आपको दिया गया है। प्रीवियस ईयर के आपको ओडब्ल्यूएस दिया गया है। ठीक है, वॉइस का आपको लेशन दिया गया है, नारेशन, देखिए वॉइस और नारेशन पे जो क्वेश्चंस हैं 1 या 2 आते हैं। ठीक है,
तो ये आपके कंठस्थ मार्क्स है, मतलब कि एकदम प्योर मार्क्स है, ठीक है। अगर आप वॉइस कलेक्शन को अच्छे से देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट और 30 मिनट यानी कि 1 घंटा लगेगा। अगर 1 घंटे में आप 4 मार्क्स ले आते हैं तो कम नहीं है, ठीक है। ये वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं हमेशा दो पूछे जाते हैं, और यहाँ ये अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो वॉइस नरेशन के लेसन को अच्छे से देख लें, करेक्टली स्पेल्ड भी पूछा जाता है एक या दो, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। लगभग 200 के आसपास आपको बता दिया गया है। ग्रामर रूल्स आपको कलेक्ट सेपरेट करके दिया गया है, 10-10 करके बता देंगे, ठीक है। ऐसे भी ग्रामर रूल जो है वो बाबा ज्ञान के नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारा अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर ग्रामर रूल कल भी हम बताए हैं 10-10 करके, हम 5 बता देंगे 5 से 6 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन आपको दे दिया गया है, फ्रेजल वर्ब्स आपको दिया गया है, मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, और एरर डिटेक्शन का लेसन भी हो चुका है, ठीक है। तो ये है इंग्लिश का। अगर आप हमारे से जुड़े हुए हैं और इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आई गारंटीड कि आप इंग्लिश में 40+ स्कोर करके ही आइएगा, ठीक है। बात रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट का, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 40 मार्क्स है आप इनसे कवर हो जाएगा, वो जो क्लोज टेस्ट का मैटर है वो 10 मार्क्स। आप अगर इतना अगर पढ़ के भी जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो क्लोज टेस्ट ऑटोमेटिकली 2 से 3 सही करके ही आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 45+ स्कोर करके चल रहे हैं, लेकिन जो सही से पढ़ रहे हैं उनका 40+ स्कोर जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इन चीज़ों को जरूर रिवीजन करें, अभी भी समय है, रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बस स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि इतने बजे हमें ये याद करना है, इतना बजे ये याद करना है, क्योंकि हर किसी का एक टाइमिंग अलग होता है, खाने का, पीने का, सोने का, तो इस हिसाब से है जो हम यहाँ पर टाइम नहीं बता सकते हैं, सभी का अलग अलग टाइमिंग होता है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से, लेकिन जब भी पढ़ें फ्रेश माइंड होकर पढ़ें और कंटिन्यूअसली पढ़ें 2 घंटा 3 घंटा, फिर ब्रेक लें 10 मिनट 15 मिनट का, फिर हल्का फुल्का कुछ खाएं, फिर आराम से पढ़ें, ठीक है। तो रिविज़न करें अच्छे से। आगे देखते हैं जीएस पे। देखिए जीएस पे जो है आपको दिया गया है करेंट अफेयर्स डेली आपको मिल रहा है, वहाँ पर आपको लेसन भी दे दिया गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 साल का आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप उनका रिवीजन करें, 2 लेसन अभी तक प्रोवाइड हो चुके हैं, 2 से 3 लेसन और आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लगभग 700 आपको करेंट अफेयर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, आप उन्हें याद करके जरूर जाइएगा। फिर देखिए आपका लूसेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर, प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए गए हैं एसएससी सीजीएल 2019 के, एसएससी सीएचएसएल 2019 के, और भी अगर आपके पास सोर्सेस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस के तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बात मैथ्स पे। देखिए मैथ्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितना बनाइएगा उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। सीपीओ 2019 का मैथ्स आप छोड़ कभी ना छोड़ें। अगर आप सीजीएल 2019 का एग्जाम देने जा रहे हैं और सीएचएसएल 2019 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सीपीओ 2019 मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट टू डू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप करके ही जाइएगा। की प्रैक्टिसिंग यानी कि मैथ्स में प्रैक्टिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करिएगा नहीं होगा, ठीक है। तो मैथ्स को प्रैक्टिस करिए, ये 3 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन तो आपको बनाना ही बना है, ठीक है, बनाकर ही जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जैसे एसएससी किरण का बुक आता है, ठीक है, एसएससी किरण मैथ्स, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स वो है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एसएससी किरण से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं तो अब इस समय लास्ट मोमेंट पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसे भी कर रहे हैं अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वैसे करिए। और सीपीओ का मैथ्स जरूर बना लीजिएगा, ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि एसएससी सीपीओ 2019 का मैथ्स आप बना कर ही जाए, ठीक है। और रीजनिंग में बात जहाँ तक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है रीजनिंग के कोई भी टॉपिक पे, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन का पिक या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, वो भी डिटेल में, ठीक है। और ऐसे भी दो जो दो तीन है कैंडिडेट्स वो मैसेज किए हैं हमें टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं कि एनालॉगी ये सब जो दो तीन टॉपिक्स हैं जैसे फिगर वाला, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम 1 से 2 दिन के अंदर उस पर हमें एक लेसन बना देंगे, जिन्हें भी दिक्कत होगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से स्ट्रैटेजी लास्ट 10 डेज का। बस ध्यान में ही रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन करना है, मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारा चीज़ याद करिए, रिवीजन करिए, मैथ्स का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रैटेजी। आप अपने तरीके से टाइमिंग बस बैठाइए, लेकिन जो है आपको बस रिवीजन ही रिवीजन करना है, मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पे अपना काम रखिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, डेविएट नहीं होना है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।